अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आज हम NTS की पास पेपर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। और पेपर ये है, आप लोग के सामने स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो एक है और इसकी पेपर की सीरियल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 31 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर एंड विच लेंथ ऑफ ऑल साइड आर इक्वल। नन ऑफ द एंगल इज 90 जी। तो इसमें और तीसरी बात यह है कि डायगनल आर परपेंडिकुलर बिसेक्टर टू वन इनदर। ठीक है जी, इसमें तीन बातें पूछी गई है इस क्वेश्चन में कि नीचे चार शक्ल दी गई है, इनमें से एक शक्ल ऐसा होगा जिनकी पहली नंबर बात यह है कि चार सेट की जो लंबाई है, चारों सेट की जो लंबाई है वो बराबर होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें किसी भी सेट की एंगल 90 नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि इसकी जो डायगनल है वो परपेंडिकुलर होगी बिसेक्टर एक दूसरे के। चलते इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इसके लिए मैं एक और पेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं एक दूसरा पेज को ओपन करता हूँ जिस पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये एक टेबल है जनाब, इसकी मदद से इसको हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। और यहाँ एक टेबल है जिसमें वो चारों जो हमें शेप दी गई है उसमें मौजूद है। पैरेललोग्राम भी मौजूद है, रेम्बोस भी है, ट्रेपेज़ियम भी है और रेक्टेंगल भी है। इसमें एक इजाफी शक्ल है स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर के साथ हमारा कोई काम नहीं है। और ये जो बाकी चारों शक्ल है इस पर हम बात करेंगे। और पहले नंबर जो बात है, फर्स्ट नंबर जो इस पे कंडीशन है वो ये है कि चारों सेट बराबर होंगे। तो प्रॉपर्टी में भी साइड इसने पहले नंबर पर रखी है। ठीक है जी, साइड इसके जो पहले नंबर पर साइड है रेक्टेंगल हम दिए गए हैं। जो रेक्टेंगल जाहिर सी बात है चारों साइड बराबर नहीं होती, उनके अपोजिट साइड बराबर होते। स्क्वायर से हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि ऑप्शन में स्क्वायर मौजूद नहीं है। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल की तरफ शक्ल है, इसकी भी अपोजिट साइड बराबर होती है। बाकी रेम्बोस है तो रेम्बोस की चारों तरफ बराबर होते हैं। और ट्रेपिजियम है, जो ट्रेपिजियम क्रॉस निशान है, मतलब यह है कि ट्रेपिजियम की चारों साइड बराबर नहीं होते। दूसरे नंबर जो बात है वो एंगल्स की है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये रेक्टेंगल की एंगल बराबर है, पैरेललोग्राम की एंगल बराबर नहीं है, रेम्बोस की एंगल बराबर नहीं है, ट्रेपिजियम की एंगल बराबर नहीं है। याद रहे रेम्बोस ने दो कंडीशन सेटिस्फाई किए, पहले रेम्बोस की चारों सेट बराबर है और दूसरी इसमें किसी भी एंगल बराबर नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा जो डायगनल्स है, डायगनल की बात बिसेक्टर टू ईच अदर, बिसेक्टर परपेंडिकुलरिटी, तो ये भी रेक्टेंगल इसको सेटिस्फाई नहीं करते, पैरेललोग्राम इसको सेटिस्फाई नहीं करते, जबकि रेम्बोज इसको सेटिस्फाई करते और बाकी ट्रेपेज़ियम भी इसको सेटिस्फाई नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ, इस टेबल से प्रूफ हुआ कि जो हमारा तीनों कंडीशन है क्वेश्चन की वो तीनों रेम्बोज पर बराबर होते। तो लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर है, इसमें करेक्ट आंसर आप लोग को अभी मालूम होगा, करेक्ट आंसर इसमें बी है। रेम्बोस को जो शेप है वो एक ऐसा शेप है जिसकी चारों सेट बराबर होते और इसकी जो एंगल है उसमें किसी भी एंगल 90 नहीं होती, और बाकी इसके जो डायगनल है वो बिसेक्टर है एक दूसरे के। इसके अलावा इसके थोड़ी सी मजीद में आप लोगों की समझने के लिए एक और पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पर इनके अशकाल में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो शक्ल है ये ट्रेपेज़ियम की है, जाहिर सी बात है चारों साइड बराबर नहीं है। ये जो शक्ल है ये रेम्बोस की है, जो कि हमारा आंसर है। रेम्बोस की ये थोड़ी सी हलती हुई है, ये साइड और ये साइड, इस बाकी दो साइडों से थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है साइडों के नीचे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। मतलब ये है कि चारों साइड बराबर है, बाकी डायगनल इसकी ये है और एंगल इसकी चारों सेट भी एंगल इसकी ये है। ठीक है,
बाकी ये रेक्टेंगल है, आप लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल तो नहीं हो सकते, ठीक है। और जो पैरेललोग्राम है वो भी रेक्टेंगल की एक शक्ल है, और ये जो रेमबोस है हमारा, ये शक्ल है, इस पर तीनों कंडीशन लागू हो रहे हैं, ये तीनों कंडीशन कंडीशन को सेटिस्फाई करते, लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रेमबोस है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम जाते, तो क्वेश्चन नंबर 32 को ज़रा सा देखते। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट इज बेड। इफ लेंथ इज 37 सेंटीमीटर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी। यहाँ पर ज़रा सा सोचे, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन को समझा तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी, 50% हमें आंसर मिल सकते हैं अगर हम क्वेश्चन को गौर से पढ़े, दो तीन मरतबा पढ़े और क्वेश्चन को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर मोर देन इट इज़ ब्रेड। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। इफ लेंथ इज 37 सेंटीमीटर, मतलब अगर इसकी लंबाई 37 सेंटीमीटर है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी। तो हमें ये बताया, ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 यूनिट ज़्यादा है, फिर इसकी लंबाई दी गई है कि अगर लंबाई 37 सेंटीमीटर है तो इसकी पैरामीटर मालूम करें। हमें लंबाई दी गई है और हमें और जो इसे चौड़ाई भी आसानी से मालूम कर सकते हैं हम। मैं इसके लिए एक पेज ओपन कर रहा हूँ जिसमें इसकी सॉल्यूशन है। ये पेज थोड़ा सा एक और क्वेश्चन का है। जी सर, ये है। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी टाइप किया दोबारा, और हमें ये कंडीशन दी गई है। हम सबसे पहले तो हमें पिरामीटर की जो फार्मूला है वो हमें याद होना चाहिए। तो रेक्टेंगल की जो पिरामीटर है, ये फार्मूला है पिरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, मतलब लेंथ प्लस वेट, ये रेक्टेंगल की फार्मूला है, ठीक है। अभी हमें दी गई है लेंथ, तो लेंथ 37 सेंटीमीटर है, तो हम वेट इसकी इससे बआसानी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऊपर दी गई है कि लेंथ जो है वो वेट से 3 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। तो लंबाई से हम 3 यूनिट कम करते हमें बआसानी से वेट मिल सकते हैं, फिर इसको हम फार्मूले में पुट करते। जहाँ इसको हमने फार्मूले में पुट किया तो आसानी से 37 और 34 को जमा किया, 71 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि फार्मूले वाला 2 है, इससे 142 आ गया। तो चलते हम क्वेश्चन में, 142 जहाँ पर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में 142 वाला जो ऑप्शन है वो बी नंबर है, सॉरी सी नंबर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हुआ, अपने सॉल्यूशन देख लिया। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 है। अ हैंडिंग वाज बॉट पर RS 280 एंड वाज सोल्ड पर RS 350। द परसेंटेज प्रॉफिट विल बी। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो हैंडबैग वगैरह है वो 280 रुपये पर ली गई है, खरीद उसकी जो कीमत है, कीमत ख़रीद वो 280 रुपये है पर है, और उसको बेचा गया है, उसको सेल किया है 350 रुपये पर। तो जाहिर जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हुए, कुछ मुनाफा हुआ है, क्योंकि जो लिया हुआ जो कीमत खरीद है वो कीमत फरोख्त से कम है, ठीक है। तो ये भी पूछ रहे क्वेश्चन में कि आप इसकी जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो परसेंट में मालूम करें। इसके लिए मैं एक पेज ओपन करता हूँ, इसके अपने फार्मूले हैं, फार्मूले की मदद से इसको हम हल कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पेस्ट किया, जो कॉस्ट प्राइस है वो 280 है, सेल प्राइस 350 है, परसेंटेज प्रॉफिट की पूछ रहे। पहले हम सिंपल प्रॉफिट जो है वो मालूम करते। तो
जो चीज़ हमने भेजा है इससे कीमतें जिस पर हमने लिया था वो कीमत इससे माइनस करते, यानी सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते, तो यहाँ पर 70 आते हैं। मतलब यह है कि 70 70 इसका जो सिंपल प्रॉफिट है वो 70 है, इसकी 70 रुपये इसने मुनाफा किया। ठीक है, अगर हम परसेंट में इसकी प्रॉफिट मालूम करते तो प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो इसकी प्रॉफिट 70 है और कॉस्ट प्राइस 280 है और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते, तो आप लोग इसकी सॉल्यूशन बसानी कर से कर सकते। इससे जो आंसर आते हैं वो 25 है। तो चलते हम 25 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में 25 डी नंबर जो लिहाजा थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सॉरी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, 25%। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में एक सिंपल सा क्वेश्चन है छोटा सा, कि 3% कैन बी रिटन एज इन द डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कि 3% हम किस तरह लिख सकते हैं। आपको पता है कि परसेंट का मीन क्या है? परसेंट मीन आउट ऑफ सब। ठीक है, परसेंट मीन आउट ऑफ सब। तो ये हुआ क्वेश्चन कि 3% हम किस तरह लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो ये इसकी चार ऑप्शन है। सॉल्यूशन इज वी कैन रिटर्न 3% 3/100। ठीक है, 3% परसेंट का मीन 100 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 0.03 आती है, 0.03। आंसर सी है क्वेश्चन में, आंसर इसी नंबर 0.03 ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 में है द एलसीएम ऑफ टू नंबर 60 एंड 100 एज। दो नंबर दिए हैं हमें 60 और 100, इसके एलसीएम पूछ रहे हैं कि इसके एलसीएम क्या होगी। ठीक है, तो एलसीएम हम कई तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, दो तीन मेथड से। और मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड से जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है मालूम किया है। और ठीक है, तो ये जो इसको पहले पहले मैंने क्या किया, 100 और 60 को 2 पे डिवाइड किया, 50 आ गया, 30 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड किया, 25 आ गया, 15 आ गया, फिर इसको 3 पे डिवाइड किया। जो इस तरफ जो फैक्टर आते इसको फिर बाद में मल्टीप्लाई करते एक दूसरे के साथ, सारे एक दूसरे के साथ फिर मल्टीप्लाई करते, तो इसे 300 आते। तो ऑप्शन में जहाँ पर 300 है, 300 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ करेक्ट आंसर है। इस पेज की लास्ट क्वेश्चन जो है, एफ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू। ठीक है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू एंड एफ क्यू इज इक्वल टू 12 व्हेन पी इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी व्हेन क्यू इज इक्वल टू 15। हमें एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशन दी गई है जिसमें पी और क्यू के एक दफ़ा वैल्यू दी गई है, क्यू की वैल्यू 15 है और सॉरी 12 है और पी की वैल्यू 8 है। फिर पूछ रहे अगर क्यू की वैल्यू 15 हो जाए तो पी की वैल्यू क्या होगी। इसके एक पेज में ओपन कर दो जिस पर इसकी सॉल्यूशन मौजूद है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं वाजह तौर पर इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये इसकी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन। इसको भी हम दो दो मेथड से हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा मेथड अपनाए हुए क्योंकि पेपर में सबसे शॉर्ट और सिंपल मेथड होना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी कम वक्त में इसको सॉल्व करें। क्यों पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, क्यों की कीमत 8 12 है और पी की 8 है, वी मेक इट सिंपल। मैंने इसको सिंपल बनाया क्योंकि प्रोपोर्शन में मैं दोनों तरफ को एक ही इनसे से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, मैं भी कर क्या करूँ, मैं इसको
5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइडों को 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया और ये 10 आ गया। इसके मतलब ये है कि जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हुआ कुछ क्वेश्चन, इसकी सॉल्यूशन। इसमें भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुए तो मैं माजरत चाहता हूँ, और आप लोग मेरे मिस्टेक की आप निशानदेही कर सकते हैं बजरिया कमेंट, बजरिया मेरे जीमेल वगैरह की आईडी पर। ठीक है, ये हुआ पहला जो कुछ क्वेश्चन थे। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।